हेलो एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। अगर हूँ तो एक बार बताइएगा मुझे, और एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं लेट मी ऑल्सो चेक आई एम लाइव और नॉट। लाइव चैट नहीं दिख रहा मुझे, एक मिनट दीजिएगा बस। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। बढ़िया, सब ऑडिबल विजिबल ऑल क्लियर ऑल गुड, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आई एम तनुजा सिंह परमार, लेट्स स्टार्ट द सेशन। बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, बस एक काम करिएगा, आप में से जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है ना, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके एक मैसेज कर देगा तुरंत कि आई एम लाइव, ठीक है, ये मैसेज कर देंगे। वैसे आप ग्रुप में कर पाएंगे, चैनल पे तो नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट वहां जाके कर दीजिए। क्विक सेशन लेंगे आज, क्विक सेशन लेंगे, बिल्कुल ही मतलब 1 आवर का क्लास होगा आपका, फर्स्ट क्लास, वेरी स्पेशल। क्लास लेने वाले थे 8 बजे, बट 7 बजे ले रहे हैं, तो ठीक है ना, इसमें कुछ दिक्कत थोड़ी है। एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मैसेज करेंगे और मुझे 1 मिनट और देंगे, बस तुरंत आ रही हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, जस्ट 1 मोर मिनट टू गो। चलिए ठीक है, विदाउट फर्दर अडू आई विल स्टार्ट द सेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, और मैं स्टार्ट करती हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी अ इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स। स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक बात बता देती हूँ, ये पेज तो नहीं ऐड होना चाहिए था यहाँ पे, बट स्टिल आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर शुरू कर रही हूँ तो आपको स्टील स्ट्रक्चर के बारे में आई हैव नो आइडिया कि कितना पता है कितना नहीं पता है, बट हम लोग ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, और अभी आपको देख के भी समझ में आ जाएगा। छोटा सेशन इसलिए होने वाला है बिकॉज आई वॉन्ट कि आपको, गुड इवनिंग एवरीवन, बस हो गया, गुड इवनिंग गुड गुड मॉर्निंग सब हो गया है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि छोटा सेशन यानी 1 आवर 1 आवर 10 मिनट का सेशन इसीलिए होने वाला है बिकॉज आई वॉन्ट कि आप थोड़ा सा पेस अडेप्ट कर लें और ग्रेजुअली हम थोड़ा सा मूव करेंगे। तो आज जो मैं आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है डिज़ाइन कंसिडरेशन, वो कंप्लीट कर दूंगी, बट डिज़ाइन कंसिडरेशन के साथ साथ जो मैं आपको डिज़ाइन फिलोसफीज बताऊंगी उसमें मैं आपको 2 डिज़ाइन फिलोसफीज आज कंप्लीट कर दूंगी, बट द थर्ड वन विल बी डूइंग टुमारो बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और आपका बहुत अटेंशन मुझे चाहिए होगा, तो विल डू दैट टुमारो। और उसके बाद फिर कनेक्शन शुरू करेंगे और कनेक्शन कल ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट रिविटिंग और बोल्टिंग विथ न्यूमेरिकल्स कल कर देंगे, एंड देन विल डू वेल्डिंग, क्योंकि वेल्डिंग भी थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। फाइन, सब सही है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वीडियो शेयर करना है अपने डिज़ायर्ड लोगों के पास सो दैट कि वो भी इसका पूरा बेनिफिट ले पाए, ठीक है। तो सबको फॉरवर्ड कर देंगे जल्दी जल्दी, आई वॉन्ट अलॉट ऑफ पीपल टू बी लाइव, एंड बड़े अच्छे से यूज़ करिए इस पूरे वीडियो को। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ये उसी का पार्ट है, ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ये उसी का पार्ट है। अगर मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस को बेसिकली जो आपका स्ट्रक्चर पार्ट है उसको अगर डिवाइड करूँ तो एक आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाला पूरा सेक्शन आ जाता है, और फिर आपका पूरा का पूरा एक सेक्शन आ जाता है किसका, ठीक है, आपको एक पूरा सेक्शन देखने के लिए मिलेगा डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स का। तो डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर में आप देखते हैं एक पूरा का पूरा रेनफोर्समेंट की बात आप कर लेते हैं, और एक आप बात करते हैं स्टील की, मतलब हम एक RCC देखते हैं और एक स्टील देखते हैं। तो एक बार स्टील देख लेंगे और उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। गुड इवनिंग, बस हो गया, गुड इवनिंग नहीं चाहिए। अब व्हेन आई विल बी आस्किंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू तब फिर आपको क्या करना होगा, रिप्लाई करना होगा, अभी के लिए इनफ है। तुरंत स्विच करूंगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, सो दैट कि आई कैन सेव द टाइम। आपको मैंने बोला कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी डिज़ाइन कंसिडरेशन से, जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन से, और जो और पहला वर्ड आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहला वर्ड आपको दिख रहा है अलॉय। व्हाट इज अलॉय? मैंने बोला था कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्टील बेसिक, ठीक है, तो मैंने बोला आपको अलॉय, अलॉय का मतलब क्या होता है,
व्हेन टू और मोर मेटल्स इंटरमिक्स टुगेदर दे फॉर्म अ अलॉय, राइट? तो स्टील कुछ नहीं है, स्टील इज एन अलॉय, ठीक है? स्टील इज एन अलॉय. अगर मैंने बोल दिया स्टील इज एन अलॉय तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये कुछ मेटल्स के इंटरमिक्सिंग से बनने वाला है. कौन कौन से मेटल होंगे वो अभी मैं आपको दिखा दूंगी तुरंत, बट देर आर फ्यू मेटल्स जिनको हम इंटरमिक्स करेंगे मोल्टन स्टेट में, एंड देन जब वो कूल डाउन हो जाएंगे तो वो आपके लिए स्टील बना के दे देंगे आपको. सिंपल बात, ठीक है? स्टील बना रहे हैं तो कौन कौन सी मेटल्स को मैं कंबाइन करने वाली हूँ? सिंपल सी बात है, अगर स्टील चाहिए तो जो आपका प्राइमरी इंग्रेडिएंट होगा ना, जो आपका सबसे मेजर इंग्रेडिएंट होगा, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी आयरन, Fe. देख लीजिए जिसकी वैल्यू मोर देन इक्वल टू 98% होने वाली है, तो आपको समझ में आ रहा है. अगर वैल्यू बाकी जो इंग्रेडिएंट्स उनकी बहुत कम होगी और सिर्फ आयरन होगा तो आप उसको सिर्फ आयरन बोल देंगे, बट मैं पढ़ रही हूँ स्टील, ठीक है? अगर हम स्टील के बारे में बात कर रहे हैं तो आयरन है, बट आयरन इज नॉट 100%, 98% या 98% से थोड़ा ज्यादा. आप देखेंगे एक बड़ा तो नहीं बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कार्बन कंटेंट भी. कार्बन का एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू यहाँ होने वाला है, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा. आयरन तो आपको समझ में आ गया कि आपके स्टील का प्राइमरी इंग्रेडिएंट है ना? ये तो प्राइमरी इंग्रेडिएंट हो गया. उसके बाद आप देखिए कार्बन है जो आपका, कार्बन की जो वैल्यू है दैट इज, हाँ ठीक है, अब कार्बन की जो वैल्यू है देखिए उसकी वैल्यू जो है वो 0.1 से लेके 1.1 तक वेरी कर रही है, बहुत स्मॉल अमाउंट में है बट उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, विल डिस्कस दैट. एंड देन देर आर अदर मेटल्स दैट विल बी यूजिंग जिसकी वैल्यू आपके लिए 1% से कम की होने वाली है. वॉट आर अदर मेटल्स? देखिए सल्फर होगा यहाँ पे, थोड़ा सा सिलिका होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैंगनीज होगा, है ना? ये सारे जो अदर हैं ये आपके क्या हो गए, बहुत ही सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम है, लेस देन 1% है. बट ये जो कार्बन है इसके बारे में मैं बार बार आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप कार्बन कंटेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे ना अपने स्टील में तो एक बहुत मेजर सा चेंज आने वाला है. फाइन, अगर आप अपने कार्बन कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं स्टील में, डू यू हैव एनी आइडिया कि क्या हो जाएगा? अगर मैंने अपने कार्बन कंटेंट को इंक्रीज कर दिया, देखो आयरन तो रहेगा ही, वो तो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है तो वो तो रहना ही है 98%, बट ये जो कार्बन का कंटेंट है अगर मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, बहुत अच्छे से ध्यान रखना स्टेट AEJEE और SSEJEE में ऐसे ही क्वेश्चंस बीच के बेसिक आते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं. याद रखिएगा एवरी टाइम यू विल इंक्रीज द कार्बन कंटेंट इन योर स्टील, आपका यील्ड स्ट्रेंथ, आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, आपकी हार्डनेस, आपकी डक्टिलिटी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है? कैसे चेंज आएगा वो मैं आपको अभी बता देती हूँ. देख लीजिए यहाँ पे लिख देती हूँ एक नोट पॉइंट करके, ठीक है ना? यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख रही हूँ आपके लिए, इरेजर चाहिए मुझे. हो सकता था तो मैं कार्बन को अदर्स के साथ भी कंबाइन करके यहाँ लिख देती, है ना? मैं कार्बन को अदर्स के साथ ले लेती यहाँ पे और आपको लगता कि ठीक है बहुत कम ही तो वैल्यू है, बट कार्बन को मैंने अलग लिखा और कार्बन को बार बार फोकस कर रही हूँ क्योंकि कार्बन का अपना एक इंपॉर्टेंस है. कार्बन कंटेंट अगर आप इंक्रीज करेंगे, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, स्टेटमेंट आप फ्रेम करने जानते हैं, राइट? कार्बन की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो आपके स्टील की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ये बात याद रखिएगा, स्टील की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. अब यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ या आगे बढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे. ओवरऑल आपको क्या समझ में आना चाहिए कि आपके कार्बन की वैल्यू इंक्रीज करने से आपका जो स्ट्रेंथ है स्टील का वो बढ़ जाएगा. बहुत अच्छी बात है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, बट लेट मी टेल यू कि इसकी डक्टिलिटी कम हो जाएगी, ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा. डू यू थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी कि डक्टिलिटी कम कर दूं मैं? आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूंगी ना, जो अभी इसके बात करने वाली हूँ, स्टील के एडवांटेज की बात करूंगी, क्यों स्टील प्रेफर कर रहे हैं, स्टील के स्ट्रक्चर्स क्यों प्रेफर कर रहे हैं, कंक्रीट पे ही क्यों नहीं रुके रहे अपन, तो उसमें एक बड़ा एडवांटेज है कि इसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टील की डक्टिलिटी ज़्यादा है. आपको पता है कि आपको फेलियर से पहले एक बड़ी वार्निंग मिलने वाली है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. तो अगर ऐसा है तो डक्टिलिटी अगर कम हो जाएगी आपके स्टील की तो क्या ये बहुत बेनिफिशियल है? ऑफकोर्स नहीं है, है ना? तो इसीलिए मैं अब्रप्टली बहुत ज़्यादा अपने कार्बन के कंटेंट को बढ़ा नहीं सकती सिर्फ ये सोच के कि मेरा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा.
स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, आई अग्री, बट उससे आपकी डक्टिलिटी कम हो रही है, ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, हार्डनेस भी बढ़ जाएगी, हार्डनेस भी बढ़ जाएगी। स्टील विल बिकम ब्रिटल, यस कार्तिक, यस हर्षित, वेरी नाइस। तो आपको पता चल गया कि आपकी ब्रिटलनेस बढ़ रही है एंड योर डक्टिलिटी इज डिक्रीजिंग, तो ये कार्बन कंटेंट का आपका क्या बोलिए आप, इफेक्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, आपसे हो सकता है कि आपको रेंज दिया हो और आपसे पूछ दे ये कौन सा आयरन है, हो सकता है कि आपसे आयरन दिया हो और आपसे रेंज पूछ दे। तो देखिए, अगर आपके कार्बन कंटेंट की वैल्यू 2 से 4% के बीच में है तो आप उसको बोलेंगे कास्ट आयरन। बता दीजिए कास्ट आयरन के साथ क्या होने वाला है, देख लीजिए, जो आपका कास्ट आयरन है उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा दिख रहा है आपको, 2 से 4% तक वेरी कर रहा है, तो इसमें क्या समझ में आ गया आपको कि कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? लिख दे रही हूं यहाँ पे, हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, बट आपको पता है कि इसकी डक्टिलिटी कम होगी, ठीक है? दूसरा एक टाइप आपको देखना है और वो है आपका रॉट आयरन। देखिए, रॉट आयरन में क्या होता है, कार्बन कंटेंट की वैल्यू बहुत कम है, 0.008%, दिख रहा है? कार्बन कंटेंट की वैल्यू इतनी कम है, इट इज 0.008%, तो कार्बन कंटेंट काफी कम है, आपका जो नॉर्मल स्ट्रक्चरल स्टील था उससे भी काफी कम है, इसीलिए इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, इट इज नोन एज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, सॉरी बोलती हूँ, बताते भी नहीं है कमेंट सेक्शन में। हाँ बिल्कुल, डक्टाइल होगा, रॉट आयरन डक्टाइल होगा, क्योंकि आपको पता है कार्बन कंटेंट कम है तो डक्टिलिटी ज्यादा होगी। ऑल्सो नोन एज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, क्योंकि आपको पता है कि आयरन का ही कंटेंट मैक्सिमम होने वाला है, जो अदर कंस्टिट्यूएंट है जो कि कार्बन की वैल्यू बहुत बहुत कम है, तो प्योरेस्ट फॉर्म है आपके लिए, ठीक है? आ गई आपको इतनी बात समझ? तो ये हम लोगों ने बेसिक डिस्कस कर लिया, यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में ध्यान रखेंगे, मेजरली आपको जो ध्यान रखना है वह भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, यस, यहाँ तो छोटी सा डिस्कशन मैंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे मूव करूँ, ये पेज उड़ा दूंगी मैं, डोंट वरी। ये लीजिए, यहाँ मैं एक बड़ा छोटा सा बेसिक सा डिस्कशन करने के लिए आई हूँ। अगर मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखाऊं और मैंने अगर आपको बोला कि यू हैव अ हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील, वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कैसे वेरी करेंगे? अभी तक आपको अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं पता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल नहीं पढ़ा है आपने, तो मैंने आगे अभी आपको बताऊंगी मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील के लिए क्या होता है। बट अगर मुझे आपसे बात करनी है लो कार्बन स्टील की, मीडियम कार्बन स्टील की और हाई कार्बन स्टील की, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे क्या कि कैसे वेरी करेंगे ये? बैकग्राउंड का कलर दूसरा करिए, एज इन बैकग्राउंड का कलर दूसरा करिए, मतलब बैकग्राउंड ब्लैक में तो इट इज एकदम बढ़िया, बताओ किसको कोई दिक्कत इसमें? बैकग्राउंड कलर के लिए एक बार इन्फॉर्म करिएगा मुझे, मैं आपके लिए कुछ ड्रॉ कर रही हूं, एक मिनट दीजिएगा, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू एंड देन देखेंगे, ठीक है? चलिए, क्या समझ में आ रहा है आपको जल्दी से बता दीजिए, क्या समझ में आ रहा है जल्दी से बता दीजिए। मैंने सिर्फ आपके लिए क्या बनाया है, अलग अलग स्टील के लिए आपके लिए मैंने ड्रॉ कर दिया है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। देखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा, अभी आपके लिए प्रॉपरली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, वह मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। फॉर नाउ जितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उतनी चीज़ें बस आपको बता देती हूँ। ये मैंने लिया है आपके लिए लो कार्बन स्टील के लिए, ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिया आपके लिए लो कार्बन स्टील के लिए।
अभी आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि आप देख लीजिए, आपको तीनों में ही दिस इज योर मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, और ऊपर आपका जो ये है आपका हाई कार्बन स्टील का कर्व, ठीक है? आपको यहाँ से क्या देखने के लिए मिल रहा है आप बता सकते हैं क्या? अगर आपको ये कर्व देखना समझ में आ गया, मतलब आपको यहाँ से आने वाले वन लाइनर्स बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। यार जो मैंने पहला कर्व बनाया है वो मैंने बनाया है लो कार्बन स्टील, चलो बहुत बढ़िया। क्या आपको दिख रहा है कि आपका जो टेंसाइल टेस्ट आपने किया हुआ है, आपने क्या लिया, एक स्टील का एलिमेंट लिया, लोड लगाना शुरू किया, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन आपने देखा। तो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन जब आप देख रहे हैं तो आपने देखा, देखिए मैंने तीन कलर यूज़ किए हैं, यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन आपको दिख रहा है इसलिए क्योंकि मैंने क्या किया, आपको तीन कलर से दिखाने की कोशिश की है। बट ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि ये एकदम एक दूसरे पे अलाइंड होंगे, ठीक है? क्योंकि स्टील कोई सी भी होगी, देखिए कुछ लेवल तक तो वो आपकी क्या करने वाली है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को फॉलो करने वाली है, तो वहाँ पे तो कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो यहाँ तक तो जो वैल्यू है ना वो सबके लिए सेम होने वाली है। मैंने सिर्फ तीन कलर से दिखाया इसलिए थोड़ा वेरिएशन दिख रहा है कि आपको दिखे, समझ में आए, बट ये समझिएगा कि ये ओवरलैपिंग है, ठीक है ना? आप देखिए आपका जो लो कार्बन स्टील है वो देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रेच होके कहाँ पे पहुँच रहा है। दिस इज योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, आपको ये समझ में आ रहा है? दिस इज योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है, अगर मैं एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ रफली, तो ये देखिए आपकी ये है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, एफ यू से डिनोट करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ को, और लो कार्बन स्टील के लिए कर रही हूँ तो नीचे एल लगा दे रही हूँ, ठीक है? तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ लो कार्बन स्टील के लिए आपको दिख गई। आ जाइए आप थोड़ा सा और अब आप देखिए मीडियम कार्बन स्टील के लिए, मीडियम कार्बन स्टील के लिए ये देखिए ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू देखिए रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ये मिल रही है आपको एफ यू, और ये लगा दिया एम मैंने क्योंकि मीडियम कार्बन स्टील है, और ये है आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ लीजिए हाई कार्बन स्टील के लिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये क्या है, हाई कार्बन के लिए मैंने नीचे एच लगा दिया। कैन यू सी कि मैंने जब आपके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ड्रॉ किया है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किसके लिए? अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोले तो क्या स्ट्रेंथ, राइट? अभी के लिए तो आपको यही जानना है, स्ट्रेंथ देखिए किसके लिए सबसे ज़्यादा, हाई कार्बन के लिए सबसे ज़्यादा है, और स्ट्रेंथ की वैल्यू सबसे कम किसके लिए है, लो कार्बन के लिए। जो चीजें मैंने पहले आपको बोली थी वही चीजें आपके लिए यहाँ पे प्रूव कर दी है, सिंपल। आपको पता है कि देखिए आपका जो स्टील है वो कितना ज्यादा स्ट्रेच होके कितना ज्यादा लोड ले पा रहा है, लोड ले पा रहा है, उसकी देखिए डक्टिलिटी ज्यादा दिख रही है आपको, पूरा का पूरा एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है आपके लो कार्बन स्टील में, डिफॉर्म हो रहा है बहुत अच्छे से, और उसके बाद जाके फेल होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद उसकी फेलियर शुरू हो जाएगी ना। तो देखिएगा कि इसमें कितनी ज़्यादा आपको डक्टिलिटी दिख रही है, तो लो कार्बन स्टील है, डक्टिलिटी ज़्यादा होगी, वही बात मैंने प्रीवियस पेज में आपसे की थी, वही चीज़ मैंने आपको प्रूफ कर दिया है आपके कर्व से। इतनी बात समझ में आती है? आपको कार्बन कंस्टिट्यूएंट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कार्बन के लिए पूछ देगा आपसे वैल्यू, चार ऑप्शंस होंगे, आपको करेक्ट वाला रेंज पता होना चाहिए, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट रेंज। रेंज आपके सामने लिखा है, क्लियरली विजिबल है तो बताइए, नहीं विजिबल है तो आई विल राइट इट डाउन अगेन फॉर यू, बताइए रेंज बताइए, दिख रहा है कि मैं उसको क्लियरली बड़ा सा यहां पे लिखूं? दिख रहा है ना, बता देती हूँ आपके लिए थोड़ा सा। हाई कार्बन स्टील में कार्बन का जो रेंज होने वाला है वो 0.6 से ज्यादा होगा और 1.1% से कम होगा। जो आपका मीडियम कार्बन स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील में जो आपके कार्बन का वैल्यू जो रेंज होने वाली है वो 0.25 से ज़्यादा होगी और 0.6% से कम होगी, और जो आपका लो कार्बन स्टील है उसमें आपके कार्बन कंटेंट की वैल्यू 0.1% से ज़्यादा होगी और 0.25% से कम होगी। नॉट विजिबल बोला है किसी ने, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको थोड़ा खिसका पाऊँ साइड में, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर पाऊँ, बताइए अब सही है, विजिबल बताइए, ऑल गुड, अब जो आपका स्ट्रेन आ रहा है वो देखिएगा यहां पे कितना आ रहा है, ये देखिए ये आपका स्ट्रेन है किसके लिए, लो कार्बन स्टील के लिए, और ये जो आपकी स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है वो है आपके मीडियम कार्बन स्टील के लिए, और ये जो स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है ये आ रही है आपके लो सॉरी हाई कार्बन स्टील के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी लिखना हो तो ये आपको समझ में आना चाहिए,
अगर मैंने ये कहीं पे भी अब आगे आपको अगर लिख के दे दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये मैंने कहाँ से लिखा, आ जाएगा ना, स्ट्रेन की वैल्यू समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत? पूजा ने बोला था नॉट विजिबल, अभी विजिबल है, ऑल गुड। ठीक है, जो आपका लो कार्बन स्टील है ये कहाँ देखने के लिए मिलता है आपको, यूसेज भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। लो कार्बन स्टील आप देखेंगे स्ट्रक्चरल स्टील, जो पूरा कंस्ट्रक्शन हम मेजरली करेंगे वो हम लो कार्बन स्टील के लिए ही करते हैं, तो जो आपका स्ट्रक्चरल स्टील होता है ना वो आपका लो कार्बन स्टील होता है। आगे बात समझ में, कुछ आइडिया है मीडियम कार्बन स्टील कहाँ यूज करेंगे, मीडियम कार्बन स्टील कहाँ यूज करेंगे, कोई आइडिया है क्या? रेल्स में, ठीक है, रेल में यूज करेंगे मीडियम कार्बन स्टील, ऑल्सो यूज करेंगे हैमर में, ठीक है, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा साइड में, मैंने बस बता दिया आपको सो दैट यू शुड नो। हाई कार्बन स्टील यूज करेंगे ड्रिल्स में, पंचेस में, बेसिक बात थी, कर लिया डिस्कस। चलिए, अगर ये छोटी सी बात हो गई तो मैं अब आगे आपके साथ मूव करती हूँ और आप मुझे बताएंगे, ये पूरा पॉइंट आप डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा सा जल्दी करिएगा मेरे साथ, ठीक है, सो दैट वी कैन मूव फर्दर। मेरे को थोड़ा सा एडवांटेजेस ऑफ स्टील बता दीजिए, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि हमने स्टील स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है तो कोई तो रीजन होगा ना कि अडॉप्ट किया है ना, ऐसे ही थोड़ी आ गए स्टील स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, अगर इतने वक्त बाद अगर हम स्टील स्ट्रक्चर यूज करना शुरू किए हैं तो देर इज डेफिनेटली वन और टू रीजन बिहाइंड इट। रीजन दीजिए मुझे, क्या एडवांटेज है आपके स्टील का ओवर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, क्या ऐसा हो गया कि मैं स्टील स्ट्रक्चर्स यूज करने लगी, बताइए। एडवांटेज दीजिए मुझे बहुत जल्दी से, जल्दी से एडवांटेज दे दीजिए, आप बताते जाइए मैं लिखते जाऊंगी अगर मुझे सही लगता है तो। मोर डक्टाइल देन कंक्रीट, ठीक है, बट इतना बड़ा पॉइंट है, हाँ डक्टिलिटी ज्यादा है, अच्छा है, वार्निंग देता है मुझे, तो सेफ्टी तो सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, तो ठीक है, माना मैंने, माना मैंने। कुछ और उससे इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट दे दीजिए मुझे एडवांटेज ऑफ स्टील ओवर कंक्रीट। लाइट वेट, वेरी गुड, वेरी गुड, बट लाइट वेट के लिए ना मैं थोड़ा सा आपको बेटर तरीके से बताऊंगी अविनाश, इसको आपको ईएसी प्री में ये आया था स्टेटमेंट आया था, वन ऑप्शन इज करेक्ट और टू इज करेक्ट, ऐसे में एक स्टेटमेंट आया हुआ था, बताऊंगी मैं आपको। वेरी गुड अविनाश राज, पहला मैंने अविनाश का ले लिया, हैज हाई स्ट्रेंथ, देखिए जब भी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी तो मैं ना स्टील हैज हाई स्ट्रेंथ नहीं लिख के दूंगी, इसलिए नहीं लिख के दूंगी क्योंकि हम तो ये वन शॉट मैराथन जैसा सेशन ले रहे हैं ना, तो उसमें क्या है कि मैं पूरा एक कैसे बताऊं, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, तो इसीलिए मैंने लिख दिया फटाक से हैज हाई स्ट्रेंथ, समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। अभी यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से बात कर लेंगे, ठीक है। और कोई ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, किसने बोला है ये बात, संजीत थापा, फास्ट कंस्ट्रक्शन, फास्ट कंस्ट्रक्शन, फास्ट कंस्ट्रक्शन से उनका मतलब क्या है मैं बता देती हूँ आपको। देखिए क्या होता है कि मैंने एक सेक्शन लिया, दूसरा सेक्शन लिया, लगाया और उसके बाद फिर उसमें क्या किया, नट बोल्टिंग वेल्डिंग जो करनी थी कर दी, ऐसे ही बनेगा ना, कहीं से ब्रिक नहीं लाना है मुझे, क्या नहीं करना होगा, मोर्टार नहीं बनाना होगा मुझे, क्यूरिंग नहीं करनी होगी, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत कम है, राइट। आप जब एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं स्पेशली कंक्रीट, तो आपको पता है कि बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, फास्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इजी मॉडिफिकेशन, इजी मॉडिफिकेशन, आपको पता है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या है, चार नट बोल्ट ही तो खोलने हैं ना, मॉडिफिकेशन इजी है, और अगर मॉडिफिकेशन इजी है तो रिपेयर भी तो इजी होगा अगर कोई लफड़ा हुआ तो, है कि नहीं, इजी मॉडिफिकेशन एंड रिपेयर, चलिए बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी, कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बता, एस्थेटिक्स, हाँ एस्थेटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है जितेंद्र, वेरी गुड, वेरी गुड, 100% स्क्रैप वैल्यू, 100% स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या समझ में आता है, आपने मेंटेनेंस भी इजी, ठीक है कार्तिक, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, कंक्रीट स्ट्रक्चर है,
अब क्या किया आपने, उसको डिसमेंटल कर दिया। कैसे डिसमेंटल करेंगे आप? लोगों को असाइन करेंगे, या तो वो आके हैमरिंग करके तोड़ के गिराएंगे, या आप मैकेनिकली उसको टूटवा देंगे। आपने कहीं देखा है क्या कि आपने एक अगर वॉल कहीं से कोई भी इंटीरियर का काम आप करवा रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल अपने घर में आपको स्पेस स्पेस बड़ा करना था, आपने बीच से एक वॉल उड़वा दी, क्या उस वॉल को टूटने के बाद आप उसी वॉल को या उस वॉल के पीसेस को कहीं और यूज कर पाए हैं क्या? किसी को सेल आउट कर पाएंगे क्या आप? क्या आपके वो ब्रोकन ब्रिक्स किसी काम के हैं? स्क्रैप वैल्यू जीरो है, स्क्रैप वैल्यू जीरो है जब भी आप बात करेंगे किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर की। बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्टील स्ट्रक्चर, 100% स्क्रैप वैल्यू है, आपका एक टुकड़ा स्टील भी वेस्ट नहीं होगा, है ना? और कुछ सस्टेनेबल है, इजी डिसमेंटलिंग है, वही डिसमेंटल करूंगी, इजीली कर लूंगी, मेंटेनेंस इजी है। प्री फेब्रिकेशन, आप क्या करते हैं, पहले उसको फैक्ट्री में बना लेते हैं अपने हिसाब से। जो मैं अभी आपको रोल स्टील सेक्शंस दिखाऊंगी, वो कहाँ से बन के आएंगे? वो जो सारे आई सेक्शंस पढ़ेंगे, टी सेक्शंस पढ़ेंगे, चैनल सेक्शंस पढ़ेंगे, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? फैक्ट्री से ऑलरेडी फैब्रिकेटेड है। मुझे पता चल गया कि मुझे स्ट्रक्चर में इसकी नीड है, आई विल ऑर्डर इट एंड गेट इट, और उसको मैं फिक्स कर दूंगी अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है? आपको पता हैज हाई डक्टिलिटी, ये मेरे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे पहले ही लिखना था, है ना? आपने बार बार बोला है तो लिख दिया मैंने, हैज हाई डक्टिलिटी ऑल्सो। बिल्कुल, स्क्रैप वैल्यू के लिए बोला उन्होंने कि यूटिलिटी पीरियड के बाद 100% सेलिंग वैल्यू है, आपने यूज कर लिया, यूज करने के बाद आप डिसमेंटल करके सेल आउट कर दीजिए, 100% स्क्रैप वैल्यू है, राइट? ठीक है, ये मैंने एडवांटेजेस देख लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जिसका बीच में यहाँ पे जिक्र हुआ था वो मैं आपको बता देती हूँ, और लास्ट में मैंने इसलिए रखा हुआ है उसको क्योंकि वो आपके ईएसी प्री में एक बार आया हुआ है। कलर चेंज करके लिखती हूँ, कुछ समझ पा रहे हैं? ये अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, उसमें आया हुआ था। स्टेटमेंट पढ़िए और मुझे बता दीजिए कि सही है कि नहीं। हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक, नो सडन फेलियर, बिल्कुल ब्रिटल नहीं है तो सडन फेलियर होगा ही, इकोनॉमिकल है, यस। आप सबके पॉइंट सही हैं, मुझे इस पॉइंट के बारे में बताइए थोड़ा। मोमेंट हॉलो सेक्शंस में आएंगे, आएंगे करते कभी, वहां बताइए मुझे। इस स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए। कुछ लोगों ने ऊपर लिखा था कि वेट कम होता है, बिल्कुल वेट कम होता है और स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है क्या? ठीक है, हैज हाई स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो, मतलब जितना आपका स्ट्रेंथ कंक्रीट देगा और जितना आपका स्ट्रेंथ स्टील देगा, अगर आप ऐसा बोलेंगे ना कि मेरा दिस अमाउंट ऑफ स्टील एंड दिस अमाउंट ऑफ कंक्रीट इज गिविंग सेम स्ट्रेंथ, तो जो अमाउंट होगा उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। जो आप एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगा आपका, ठीक है, जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें आपको कम में ही, कम वेट में ज्यादा स्ट्रेंथ दे सकता है स्टील, बट स्ट्रक्चर में अगर आपको उतना स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा वेट ऑफ स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मेरे को ये फैक्टर पता है कि मेरा जो जो भी कंपोनेंट है मैं यूज कर रही हूँ, बीट स्टील, बीट कंक्रीट, कुछ भी है, अगर मुझे बता दिया गया कि इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा है, डोंट यू थिंक आई कैन यूज इट इन हाई राइज बिल्डिंग? आपको अगर हाई राइज बिल्डिंग बनाना होगा, अगर आपको लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस बनाने होंगे, आप बता दीजिए आप स्टील यूज करने वाले हैं कि कंक्रीट यूज करने वाले हैं, टेल मी येस और नो। अगर आपको हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, अगर आपको लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस बनाने हैं, आप किसका यूज करेंगे? आपको पता है कि आपका जो स्ट्रेस टेकिंग मैकेनिज्म है वो स्टील का ज्यादा है, तो अगर वो स्ट्रेस ज्यादा ले सकता है तो बताइए फिर क्या होने वाला है? अरे यहां से देखो ना, एक फॉर्मूला लिख रही हूं और बता देना।
बस यहां से थोड़ा चीजें घुमाओ, हेर फेर करो, हेर फेर करो, घुमा देते हैं थोड़ा सा, ये लो एरिया। आपको पता है कि अगर ये ज्यादा है आपके स्टील का, तो जो एरिया ऑफ लेंगे आप अपने स्ट्रक्चर का, वो कम होने वाला है ना, यानी कि छोटा सा ही सेक्शन आपको ज्यादा स्ट्रेंथ दे पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको छोटा सा ही स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रेंथ दे पाता है, तो आपको तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स अगर बनाने होंगे, तो आपको तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी, फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी किसमें, स्टील में। तो अगर स्टील आपको इतना ज्यादा स्ट्रेंथ दे सकता है कंपेरेटिवली उसके वेट के, तो आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि अगर हम हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी होंगी, अगर हमको स्पैन बड़ा स्पैन का ब्रिज बनाना होगा अगर, तो हम बिल्कुल स्टील को प्रेफर करेंगे। आ गई बात समझ में? बहुत सिंपल डिस्कशन। ठीक है, हाँ, मोर लोड, ज्यादा लोड ऑक्यूपाई कर पाएगा, देखिए ज्यादा लोड ले पाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक डिस्कशन था, ये आपको ईएसई वगैरह में दिख जाएगा, ये आपको अभी दूसरे एग्जाम्स में भी दिख जाएगा स्टेट के। ये छोटी मोटी बातें थी, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ऑलरेडी आती होंगी। अगर मैंने यहाँ एडवांटेजेस दिखा दिया है, तो क्या इसी पेज में आपको डिसएडवांटेज भी बता दूँ? ठीक है, बता देती हूँ, ये उड़ा देती हूँ यहाँ से आपके लिए। और चलिए इसी पेज में आप, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बात की मैंने कि बहुत सारे एडवांटेजेस आपके स्टील के, बिल्कुल माना मैंने ये बात, और तभी मैं प्रिफर भी कर रही हूँ। आज आपके जो मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, सारे ही स्टील स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। अभी तो हम लोगों ने जितने इंपॉर्टेंट थे नोट कर लिए, बहुत सारे तो आपको कॉमेंट सेक्शन में भी दिख रहे हैं, बिल्कुल। बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका डिसएडवांटेज ना हो। ठीक है, दी ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट इस दुनिया में जिसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वो तनुजा मैम की क्लास अटेंड करने का है, बस। सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई डिसएडवांटेज नहीं है, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने में कोई डिसएडवांटेज नहीं है, और ये सेशन कंप्लीटली देखने में कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बाकी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें कोई डिसएडवांटेज ना हो। चलिए बताइए डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बता दीजिए, जल्दी जल्दी करेंगे सो दैट आई कैन मूव अहेड। यार एकदम सिंपल सी बात है यार, आपको पता है कि करोजन और अरोजन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आपको पता है कि इट इज प्रोन टू करोजन, लिख देती हूँ, चलिए प्रोन टू करोजन। ठीक है, और बताइए जल्दी। ओके अंकित, एज यू से, ठीक है ना, अभी आवाज माइक ऊपर है, जल्दी बताइए, आगे मूव करना है मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है आज, और कल से मैं तुमसे कोई कुछ डिस्कशन करके नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं सब कुछ अपने मन से पढ़ाऊंगी एंड देन आई विल मूव अहेड। बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज करोजन, यस इट इज, इट इज, इट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। टेम्परेचर इफेक्ट होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किसने बोला ये? हाँ गौरव कुमार, राइट। अब बस आज की बात है, ये ली एक्स टू बस आज की बात है, कल से तो विल मूव ऑन आर पेस। कॉन्टैक्ट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है कि अगर आप इसको एटमॉस्फियर में ओपन रखेंगे, और जो कि होने ही वाला है, तो उसमें आपको करोजन इफेक्ट होगा। करोजन इफेक्ट से बचने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना होगा, पेंटिंग वेंटिंग रेगुलरली चाहिए होगी, पेंटिंग रेगुलरली नीडेड होगी, गैल्वेनाइजेशन भी नीडेड होगा, है ना, सिंपल सी बातें हैं। और बताइए, वीक इन कंप्रेशन स्ट्रेंथ, यस बिल्कुल है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है, फायर रेजिस्टेंस आपको करवाना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा कि नहीं, रिक्वायर फायर प्रूफ ट्रीटमेंट, रिक्वायर्स फायर प्रूफ ट्रीटमेंट। और कुछ बता दीजिए, एकाध और बताइए जल्दी जल्दी। बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्तिक आर्या, एक्सेप्शनल, बहुत अच्छा।
आपको फटीग देखने के लिए मिलेगा, फटीग फेलियर देखने के लिए मिलेगा। अगर ये लिख देती हूं, फटीग फेलियर देखने के लिए मिलेगा। फटीग फेलियर कब होता है? अगर साइक्लिक लोडिंग हो। साइक्लिक लोडिंग क्या होता है? लोड लग रहा है, हट रहा है, लग रहा है, हट रहा है, लोडिंग अनलोडिंग कंटिन्यूअसली हुई, साइक्लिक लोडिंग हो गई, फटीग फेलियर देखने के लिए मिलेगा। और फटीग फेलियर और एक केस में देखने के लिए मिल सकता है आपको, डायनेमिक लोडिंग अगर आ गई। अगर डायनेमिक लोडिंग आ गई तो भी आपको फटीग फेलियर देखने के लिए मिल जाएगा। स्टील एक आध बार ब्रिटल फेलियर भी दिखा सकता है, कब दिखा देगा? स्टील एक आध बार आपको ब्रिटल फेलियर भी दिखा सकता है, कब दिखा देगा बताइए? जल्दी ब्रिटल फेलियर आपको दिखा देगा कभी, अगर आपने यूज कर दिया इसको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में, या बिना वार्निंग के इम्पैक्ट लोडिंग दे दी। चांसेस बड़े कम हैं, बट यू कैन नॉट डिनाई कि ये कभी नहीं होगा। चांसेस कम है बट यू कांट डिनाई, ठीक है? इसलिए ध्यान रखिएगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज हायर कंपेरेटिवली, राइट। ठीक है, बेसिक डिसएडवांटेजेस देख लिए हैं, तो ये आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज आई थिंक बिल्कुल दिख गया होगा। और आई डोंट थिंक कि अभी तक मैंने कोई ऐसा रॉकेट साइंस आपको बताया होगा जिससे आपको लग रहा होगा कि ये मैंने मैम ने क्या बता दिया, है ना? वापस से एक बार दिखा देती हूँ। अच्छा, पेज ऐड हो गया, बहुत गड़बड़ हो रही है आज। एनीवेज, मैं डिलीट कर लूंगी आपको पीडीएफ भेजने से पहले, ये थोड़ा फर्स्ट सेशन है इसीलिए मुझे भी समझना जरूरी है, बट एनीवेज ठीक है। बेसिक डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, ये आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिख गए ना। आगे मूव करूं, आगे मूव करूं? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था जिसमें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी याद करने का नहीं था अभी तक। सिर्फ हमने कुछ याद करने लायक देखा था तो वो कार्बन कंटेंट देखा था, वो आप याद कर लीजिएगा, परसेंटेज नो बिग डील। चलिए मूव करती हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, पहली बात स्ट्रक्चरल स्टील क्या है? स्ट्रक्चरल स्टील होता है लो कार्बन स्टील, ठीक है ना? याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल स्टील है आपका लो कार्बन स्टील। और लो कार्बन स्टील क्या होता है ये मैंने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया आपके साथ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हम यूज करने वाले हैं अपने मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स बनाने में, वो आपका स्ट्रक्चरल स्टील होने वाला है, तो आपको पढ़ना वही है, ठीक। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या ये टेबल याद करने की जरूरत है? नहीं, पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। ये टेबल मैंने कहाँ से उठाया है? टेबल मैंने कोडल प्रोविजन से उठाया है। कुछ मिसिंग है यहाँ? हाँ, मिसिंग है ग्रेड डेजिग्नेशन। अभी लाइन वाइन बना दूंगी ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, थोड़ा ये लिखा हुआ ऊपर नीचे हो, थोड़ा मैनेज करेंगे आप, है ना? एक तो मुझे नहीं दिखता ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, वो तो सब देख लेना। चल जाएगा ना, चल जाएगा, अगर टेबल में चीजें ऊपर नीचे लिखी हैं तो, मतलब लिखी तो सब सही है, थोड़ा सा ऐसा हो गया है। जल्दी बताइए, चलेगा कि नहीं चलेगा? दिख तो रहा है ना तुम लोगों को? कुछ तो चीजें लिखनी है, वो भी लिख देती हूँ। 250, 250, ये भी 240, 240, 230, 230, ये भी 410, 410। चलिए, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अभी तक बहुत थोड़ा सा पढ़े हैं जयराज, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, स्पेसिफिकली आपको कौन सी वैल्यूज़ याद रखनी होंगी जो सबसे इजीएस्ट वाली हैं, ये तीन वैल्यूज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं अभी आपको ग्रेजुअली आगे चल के बताऊंगी, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको।
ये भी एमपीए में है, ठीक है ना, और ये थोड़ा यहाँ से ऐसा है, ठीक है, एमएम, ठीक है। चलिए, ये आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है? आपका स्ट्रेंथ आ जाता है, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। देखिए, अलग अलग तरीके की स्टील्स होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील ही होगा, ठीक है, लेकिन उसको भी हमने अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसमें भी कुछ होंगे जो आपके रेगुलर यूज वाले होंगे और कुछ होंगे जो आपके हाई स्ट्रेंथ वाले होंगे। तो आपके लिए ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें याद रखिएगा कि ई का मतलब होता है इंजीनियरिंग, ई का मतलब है इंजीनियरिंग, एफ ई का मतलब है, बताओ, एफ ई का मतलब है 12 होना चाहिए, पेज नंबर 12 में होना चाहिए रोहित राज, जहां तक मुझे याद है पेज नंबर 12 में होना चाहिए। जल्दी बता दीजिएगा मुझे, ये जो ए बी सी आपको गिवन है ना, ये ग्रेड है, इनका मतलब होता है ग्रेड, क्योंकि आप देखिए आपको बाकी चीजें तो बिल्कुल सिमिलर हैं, ई 250 एफ ई 410, ई 250 एफ ई 410, ई 250 एफ ई 410, तो इनमें डिफरेंस क्या है ग्रेड का? ए बी सी, ग्रेड के बारे में आपको बताऊंगी, बट अगर आपको ए बी सी दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इनका वेरिएशन है। ये जो आपको 250 दिया हुआ है ना, ये आपको वैल्यू दी हुई है यील्ड स्ट्रेंथ की, ये जो है आपके पास, ये है आपका यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, और ये है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, अभी मैं मूव करूंगी तुरंत आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, आपको समझा दूंगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बट आपको ये टेबल याद होना चाहिए, स्पेसिफिकली ये तीन याद होने चाहिए। सेम है बट ग्रेड की वजह से ये अलग अलग हो जाते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, उनका क्या मतलब है अभी आपको बता दूंगी, बट अभी के लिए आप बताइए कि आपको ये टेबल समझ में आ रहा है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आनी चाहिए, जो आपका यील्ड स्ट्रेंथ है, देखिए वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए क्योंकि वो आपके थिकनेस ऑफ जो आपका स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करेगा। अगर थिकनेस लेस देन 20 mm है तो आप ये यील्ड स्ट्रेंथ कंसिडर करेंगे, अगर थिकनेस 20 से 40 mm के बीच में आपको गिवन है क्वेश्चन में तो आप ये वाला सेक्शन अज्यूम करेंगे, और अगर आपको थिकनेस मोर देन 40 mm गिवन है तो आप ये वाला कॉलम अज्यूम करेंगे, अज्यूम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, आ गई बात समझ में। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू तो आपके लिए बिल्कुल क्लियरली गिवन है, वहां थिकनेस का कोई रोल नहीं होने वाला है। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, आप बताइए कि जब थिकनेस आप अगर अपने स्ट्रक्चर का, अपने सेक्शन का बढ़ाते हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस आता है, टेबल देखिए बताइए, ये आपका नोट पॉइंट होना चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल विल रिमेंबर दिस टेबल, बट ये वाले स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज क्यों होना है, देखिए और बता दीजिए, मैं यहाँ नोट पॉइंट में लिख देती हूँ, नोट पॉइंट बना के मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपके लिए, और आप मुझे बता दीजिए कि इफ थिकनेस ऑफ मेंबर इज इंक्रीज्ड तो उसके यील्ड स्ट्रेंथ में क्या वेरिएशन होने वाला है, जल्दी बता दो। टेबल देख के क्या समझ में आ रहा है, टेबल देख के क्या समझ में आ रहा है, थिकनेस इंक्रीज हो रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्या बात करते हैं अभी ना, फिर वही बात, आपका थिकनेस क्या था पहले 20 mm था, तो यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 250 थी, थिकनेस की वैल्यू 20 से 40 के बीच में चली गई, बढ़ गई, तो आपका यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो गई, 240 हो गया, कम हो गया, एंड देन आपकी थिकनेस की वैल्यू जो है वो मोर देन 40 mm हो गया, यानी और बढ़ गया, तो आप देखिए आपका यील्ड स्ट्रेंथ 230 हो गया, यानी और कम हो गया, आगे बात समझ में। थिकनेस ऑफ मेंबर इंक्रीजेस देन यील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बताइए यस और नो, ठीक है जितेंद्र, आगे बात सबको समझ में। तो ये आपको नोट पॉइंट ध्यान में रखना है, टेबल याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा आपको, नो बिग डील। अब आप थोड़ा सा ग्रेड के बारे में देख लीजिए कि मैम ग्रेड ए बी सी तो लिखा है आपने, बट उसका यूज क्या है, यूज ये होने वाला है कि आप ग्रेड ए कब यूज करेंगे, जो आपका ग्रेड ए है ये कब यूज करने वाले हैं आप, जब भी स्टैटिक लोडिंग लग रही हो, ठीक है, या तो लोड लगी हुई है बस और कंटिन्यूस लग रहा है, लाइट लाइट नोट लग रहा हो, या स्टैटिक लोडिंग हो, स्टैटिक लोडिंग में जनरल जनरल कंडीशन, घर में अभी अगर मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है ना यहाँ पे, तो मैं बिल्कुल यूज कर लूंगी ग्रेड ए, ठीक है, और टेम्परेचर का वेरिएशन जो हो
वो 20 से 40 डिग्री तक हो तो मैं बिल्कुल ग्रेड ए यूज करूंगी। तो बिल्कुल अगर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करना होगा तो ग्रेड ए ही यूज करूंगी, सिंपल बात थी। बताइए ग्रेड बी कब यूज करूंगी, ग्रेड बी कब यूज करूंगी अगर मेरे को रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस देखने के लिए मिले, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस अगर हो रहे हो तो मैं ग्रेड बी यूज करूंगी। आ गई बात समझ में? ऑल्सो इस केस में जो है वो टेम्परेचर की वैल्यू कम तो चलेगी बट इट शुड नॉट बी लेस देन 0 डिग्री। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। और लास्ट आपके पास है ग्रेड सी। ग्रेड सी कब यूज करेंगे आप? अगर केस हो इंपैक्ट लोडिंग का, ठीक है ना, इंपैक्ट लोडिंग लग रही हो, अचानक से एक हाई अमाउंट ऑफ लोड आने के पूरे चांसेस हो और टेम्परेचर कहाँ तक चल जाए, -40 डिग्री तक मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, तो मैं ग्रेड सी यूज करूंगी। आ गई बात समझ में? ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी यूज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ कहाँ यूज करेंगे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्रेड ए, बी और सी कुछ नहीं है, टाइप ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, लो कार्बन स्टील ही है बट ग्रेड में मैंने उनको डिवाइड किया हुआ है। ए ही यूज करेंगे जयराज, ए ही यूज करेंगे बट वो बिकॉज कोडल प्रोविजंस में ऐसे स्टैटिकली दिया हुआ है तो आपको वहां पे दिखा दी गई है चीजें, ए ही यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए एक बेसिक बात हो गई। अब इसके बाद की जो बात है वो भी बहुत ही सिंपल है, वो भी तुरंत डिस्कस कर लेते हैं। एक पेज गायब है क्या यहाँ से? पेजेस आगे पीछे, जब आपको आएगा भी पीडीएफ तो या तो एक आती हूँ सार्थक आप तक। हाँ पेजेस शायद आगे पीछे हो गए हैं, कोई दिक्कत है इनमें? बट आपके पास या तो जब पीडीएफ आएगा तो ये सही ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे, और अगर सही ऑर्डर में अरेंज नहीं होंगे तो आपको ऊपर पेजेस लिखे हुए होंगे, पेज नंबर 1, 2, 3, तो आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही पढ़ना होगा, चलेगा ना? ठीक है। अब ये आपकी एक्स्ट्रा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पहले पढ़ी, वो तो थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, वहां आपने यील्ड स्ट्रेंथ देखा और अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखा। अब आपको आगे की फर्दर प्रॉपर्टीज देखनी है। आपको ये ऑलरेडी पता है, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी ये सारी प्रॉपर्टीज। नहीं पता है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने जरूरी हैं, सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने जरूरी हैं। बिल्कुल याद कर लीजिए अभी और दोबारा भूलिएगा मत, ठीक है? इनका यूज कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। ये 5 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ए बी सी में क्या डिफरेंस है, टेबल में एक जैसे हैं? बिल्कुल ए बी सी में क्या डिफरेंस है आपको दिखाती हूँ अभी जाके वापस, डोंट वरी। ये आपके पास या तो नोट डाउन करिए या तो याद रखिएगा, आपके नोट्स में आएगा, बट ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के लिए कितनी होती है? 2 × 10⁵। शियर मॉडुलस जी की वैल्यू किसी भी स्टेट एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, आपको पता होनी चाहिए। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू इलास्टिक रेंज और प्लास्टिक रेंज दोनों के लिए मैंने क्लियरली दी है, आपको पता होनी चाहिए। देन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पता होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ स्टील पता होनी चाहिए। डायरेक्टली वन लाइनर है, डायरेक्टली वन लाइनर है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी वॉइस ठीक है? मतलब आपको यहाँ पे इन सब में से इन सब का फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज आपको बस पता होनी चाहिए। आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि आप स्टील पढ़ रहे हैं तो उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मतलब ऑन योर टिप्स तुरंत। फाइन, आगे बढ़ूं? ठीक है, चलिए। ये देख लिया हमने, ये पेज मुझे यहाँ से उड़ाना है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखना है, उससे पहले आपके पास कोड्स होने चाहिए, कोड्स होने चाहिए। अब देखिए ये कोड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एक तो आपको 1 मार्क में आ जाएंगे आपके लिए, है
हाँ यही है इम्पोर्टेंट रोल तो इनका यही है कि आपसे वन मार्क में आ जाएंगे. ऑल्सो इफ यू हैव टू रिफर फॉर एनी अदर एग्जाम तो ये आपके पास होना चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट. ठीक है, कोड्स की अगर आप बात करेंगे तो हम सबके पास क्या है, वॉट आर कोडल प्रोविजन्स, क्या ये कोड मुझे अगर रहने दो, तुमको अगर स्टील पढ़ना है ठीक है, अगर तुमको पता है कि देर इज सम वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गया, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना है तो वहाँ आप कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए? आई थिंक आप ये करेंगे कि आप देखेंगे कि विच आर द स्टैंडर्ड बुक्स. ठीक है, वो स्टैंडर्ड बुक्स आप खरीद के लाएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खरीद के लाएंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ से बहुत ज़्यादा कंटेंट जुगाड़ पाते हैं, और फिर पढ़ने की शुरुआत करेंगे. आप देखेंगे कि अच्छा फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें गिवन है, सेकंड में क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या है, बेसिक्स क्या है, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड. ग्रेजुअली करते 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 आप समझेंगे चीज़ें, जो नहीं समझ में आएंगी उनके लिए किसी और लोगों की जा जा के सीख करेंगे हेल्प, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके देखेंगे कि विच आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आपको पढ़ने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको शायद छोड़ेंगे आप. तो आपको एक ये पूरा प्रोसेस करना होगा. राइट, डोंट यू थिंक दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस? पहली बात ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, दूसरी बात ये है कि आपको इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जो पाथ पे चल रहे हैं दैट इज द राइट पाथ. ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू आर वॉचिंग माई लेक्चर्स रेगुलरली. आई हैव डन हाफ ऑफ द जॉब. ठीक है, मोस्ट ऑफ द जॉब मैंने कर दिया, मैंने PYQ एनालिसिस कर लिया, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, मुझे पता है कि मुझे यहाँ आके क्या क्या डिलीवर करना है, मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है. सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दैट. आपको कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं. सो यू हैव समबडी टू हेल्प यू आउट. और आपको आपका पाथ पता है कि अगर मैम पढ़ा रही हैं, जितने बच्चे लाइव हैं, अगर सबके सब वही देख रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज द राइट वे. तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपको एक डिजायर्ड मैंने पाथ बता दिया, आपको बता दिया कि दिस शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन. समझ में आ गई बात? कोड्स में क्या होता है, कोड्स में आपको सारी चीज़ें गिवन है, हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं वो आप कैसे बनाने वाले हैं. आगे चल के जब मैं आपको डिज़ाइन फिलोसफीज़ बताऊंगी तो हम डिज़ाइन फिलोसफीज़ क्यों पढ़ रहे हैं और किस बेसिस पर पढ़ रहे हैं. यार अगर मुझे खुद से डिज़ाइनिंग करनी होगी किसी स्ट्रक्चर की, आप सोचो कि वो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा अगर मुझे खुद से डिज़ाइन करना, और मुझे किसी के बारे में कुछ अता पता नहीं है कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं. अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैव बिन डन, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसिस के बाद सारे उनके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको ख़त्म करते हुए वी हैव रीच टू अ पोजिशन, और तब जाके आपको फाइनल डिज़ाइन फिलोसफीज़ दी गई हैं. पीपल हैव डन दैट एंड दे आर सर्विंग यू नाउ, तो हम उसका यूज़ करते हैं. सिमिलरली जो कोड्स हैं, कोडल प्रोविजन में सारी चीज़ें हमको ऑलरेडी गिवन है जो हम स्टील स्ट्रक्चर्स में पढ़ रहे हैं. राइट, मुझे कौन से लोड्स के बारे में कहाँ पढ़ना है, क्या है, वो सारी चीज़ें इन कोडल प्रोविजन्स में गिवन है. हम जाके डायरेक्टली उनको रेफर करेंगे, डायरेक्टली वहाँ से पढ़ सकते हैं. सो टू ईज आउट आवर जर्नी, और पूरी की पूरी चीज़ें हमारे कोडल प्रोविजन्स में गिवन है. सिंपल बात, ठीक है. तो देखिए, जो कोडल प्रोविजन आपको यूज़ करनी है, आप यूज़ करेंगे IS 800/1984 यूज़ करेंगे WSM के लिए. WSM इज़ वर्किंग स्ट्रेस मेथड. क्या है ये आप कल डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता क्या है. और IS 800/2007 इज़ योर LSM, दैट इज़ द लिमिट स्टेट मेथड. ये भी कल डिस्कस करूंगी कि होता क्या है आपके साथ, आपके लिए. तो ये आपके टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये क्या होता है डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं. बट आपको इनके बारे में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जब आपको डिज़ाइनिंग करनी है तो आपको किसकी थिकनेस कितनी रखनी है, वेल्डिंग करनी है तो लेंथ ऑफ वेल्ड कितना रखना है, थ्रोट की थिकनेस कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें जो आपको हैं, जो आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, सो दैट जो आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो करेक्ट हो, अप्रोप्रिएट हो, डिज़ायर्ड लोड को डील कर सके, फेलियर ना हो उसमें, वो सारे फैक्टर्स. अगर आपको एक सक्सेसफुल स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको सारे स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना होगा. वो सारे स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी हमारे कोड्स में गिवन है जो हमको पता होने चाहिए. फाइन, हम रिफर करेंगे कोड और यूज़ करेंगे, याद रहता है अच्छी बात है, याद नहीं रहता है तो कोड लेके घूमिए. राइट, बट मैक्सिमम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में आएंगे. तो अगर मैं WSM की बात करूँगी, आपको ऑब्सोलीट मेथड है, वी डोंट यूज़ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये डिज़ाइन फिलोसफी अब हम यूज़ नहीं करते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम हो सकते हैं तो हम पढ़ेंगे ज़रूर. ये इसके बारे में पढ़ना हो तो आपके पास कोड है IS 800/1984, और अगर आपको LSM जो कि आपका लेटेस्ट मेथड है इसके बारे में पढ़ना होगा तो दैट इज़ 2007, ये बात याद रखेंगे आप. और उसके बाद फिर
डिजाइन लोड्स, यानी आपको पता है कि आपने स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें लोड लगेगा ही लगेगा, एक तो उसका डेड लोड होगा ही, देन देर इज गोइंग टू बी अ लाइव लोड, आपको पता है कि स्नो लोड आ रहा होगा, अ टाइप ऑफ लाइव लोड, विंड है तो विंड लोड आएगा, अर्थक्वेक लोड आ सकता है, तो आपको पता है कि अलग अलग तरीके के लोड्स आएंगे आपके स्ट्रक्चर में, आपने स्ट्रक्चर बनाया तो लोड तो आना ही आना है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। तो उन सारे लोड्स के बारे में आप पढ़ेंगे IAS 875 में, सारे डिजाइन लोड्स के बारे में, बट अलग अलग पार्ट्स में गिवन है वो। तो पार्ट वन में आपको डेड लोड के बारे में सब कुछ पता है, पार्ट टू में आपको मिलेगा लाइव लोड या इम्पोज्ड लोड जो लगेगा, ठीक है, डेड लोड जो कंटिन्यूसली लग रहा है पूरे वक्त, देन पार्ट थ्री में है विंड लोड, पार्ट फोर में है स्नो लोड, और पार्ट फाइव में है आपके पास स्पेशल लोड्स। अब देखिए आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए ये सब कुछ टिप्स पे, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछी जाएंगी ये चीज़ें, ये आपको स्टार मार्क में कर दूंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और IAS 1893 ये है आपके लिए अर्थक्वेक लोड, फाइन स्टार मार्क कर दे रही हूँ कि आपको कोड की वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन सा कोड कौन सा लोड कौन से पार्ट में मिलने वाला है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तो ये कर लेंगे आप, ठीक है, बेसिक सी बात हम लोगों ने देख ली। WSM में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हाँ 1893 अर्थक्वेक लोग लिख दिया मैंने जितेंद्र, आपको अजम्पशन से क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है वहां से बन सकते हैं क्वेश्चन, कल डिस्कस कर लेंगे, जितना बताऊंगी दैट विल बी मोर देन इनफ, कल डिस्कस कर लेंगे। ये कोड्स की बात हो गई आपकी, बिल्कुल आपको नोट्स में मिल जाएगा, आई डोंट थिंक यहाँ कोई रॉकेट साइंस है, तुरंत मूव करती हूँ क्योंकि मुझे आपके लिए अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, दैट इज योर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तुरंत डिस्कस करूंगी एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन है, देखा जाए तो है ना, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन है, लोड लगेगा और कितना डिफॉर्मेशन आपके स्टील पे आएगा, जो एलिमेंट मैंने टेस्ट किया है उस पर मैं ऑब्जर्व करूंगी, और उसके हिसाब से मैंने ये कर्व आपके लिए प्लॉट कर दिया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप, बट यहाँ मैम SDO कवर को 2000% होगा जसविंदर। अब ये आपके लिए मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है माइल्ड स्टील के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बड़े डिटेल से आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, अगर मैं पढ़ा रही होंगी तो फिर से पढ़ेंगे अपन बहुत डिटेल में। जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो ध्यान रखिएगा, आपने लोड लगाना शुरू किया, देखिएगा यहाँ से जो आपका स्टील है वो क्या हो रहा है, उस पर लोड लग रहा है, डिफॉर्मेशन आएगा आपके स्टील पे। अगर आपके स्टील पे डिफॉर्मेशन आ रहा है, देखिएगा ये इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। देखिए एक पॉइंट पे आ रही हूँ और मैंने इसको बोला पॉइंट ए पे, देखिए पॉइंट ए तक आप क्या बोलेंगे, आपको ये क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि जितना ज़्यादा लोड लग रहा है उतना ही आपके में डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको ये दिख रहा है कि दिस इज योर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये यहाँ पे आपको विजिबल है, यहाँ पे आपको विजिबल है दैट योर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहीं से आपके पास एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंट्रोड्यूस हो जाता था, होता था कि नहीं होता था बता दीजिए, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मैंने कैसे बोल दिया, देखिए एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उतना ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल बराबर है चीज़ें, कहाँ तक, पॉइंट ए तक। तो मैंने ए को बोल दिया प्रोपोर्शनल लिमिट, क्यों बोल दिया, बिकॉज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिंपल चीज़ थी, कर ली बात मैंने। और लोड लगाते गई लगाते गई लगाते गई, देखिए पॉइंट बी तक आपको कोई खास वेरिएशन नहीं दिख रहा है, कोई खास वेरिएशन नहीं दिख रहा है, बी पॉइंट है आपका लिखा हुआ है इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक पॉइंट, व्हाई एम आई सेइंग इट इलास्टिक पॉइंट, देखिए इलास्टिक पॉइंट तक का ऐसा पॉइंट है जहाँ तक, ये लाइन भी मैं नीचे ड्रॉ कर देती हूँ अभी के लिए, जल्दी से ये डिस्कस करेंगे, ये जो इलास्टिक पॉइंट है अगर आपने बी पॉइंट तक अपने लोड को हटा लिया तो आपका जो स्टील है वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा, आ गई बात समझ में, वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा, मतलब उसमें वो इलास्टिक प्रॉपर्टी अभी जिंदा है। अगर आप अपनी लोड हटा लेते हैं कहाँ से, जीरो से बी तक इलास्टिक लिमिट है, अगर आप लोड हटा लेते हैं तो भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा, इसीलिए बी तक है आपका इलास्टिक लिमिट, आपका ए भी इलास्टिक लिमिट के अंदर आता है, और प्रोपोर्शनल लिमिट अगर आपसे कोई पूछे तो वो ए तक है प्रोपोर्शनल लिमिट और बी तक है इलास्टिक लिमिट, बट बी के बाद जब आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो अगर आपने लोड हटाया भी तो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका मटेरियल है जिसमें आपने टेस्ट किया है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को कभी रीगेन नहीं करेगा, ओरिजिनल शेप एंड साइज को कभी रीगेन नहीं करेगा। आप ऊपर मूव करेंगे, ये देखिए आपको आ गया सी डैश अपर यील्डिंग पॉइंट, और नीचे है आपके पास सी दैट इज लोअर यील्डिंग पॉइंट। देखिए अपर यील्डिंग पॉइंट को बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते, डिटेल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताऊंगी, बट अभी के लिए आपको फिर भी बता देती हूँ थोड़ी सी बातें,
कि ट्रांजिएंट पॉइंट है, हर वक्त आपको अप्रोप्रिएटली मिले ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उसको मैं प्रोमिनेंट पॉइंट नहीं मानूंगी। हाँ राइट, मैं मूव करूंगी पॉइंट सी पे, दिस इज द लोअर यील्डिंग पॉइंट। अगर आपने लोडिंग बहुत फास्ट कर दी ना तो आपको ये सी डैश मिलेगा भी नहीं, अगर लोडिंग बहुत फास्ट है तो आपको सी डैश मिलेगा भी नहीं, तो इसीलिए क्या है थोड़ा वेरिएबल सा पॉइंट होता है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रख सकती। ओके तो मैं डिपेंडेंट हूँ अपने पॉइंट सी पे, दिस इज माई लोअर यील्डिंग पॉइंट, इसी को यील्ड पॉइंट बोलेंगे। और इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, इसी पॉइंट लोअर यील्डिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, दैट इज योर यील्ड स्ट्रेंथ, ये लीजिए। और यील्ड स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं एफ वाई से। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? बोलिए यस नो मे बी। सही है ना? ठीक है फाइन। अब देखिए उसके बाद सी से डी आपको क्या दिख रहा है, सी से डी जो आपका है ये यील्ड प्लैटिव है, ये जो सी से डी है ये आपका यील्ड प्लैटिव है। व्हाट इज यील्ड प्लैटिव? देखिए आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको कांस्टेंट डिफॉर्मेशन दिख रहा है, अब आपको कांस्टेंट डिफॉर्मेशन दिख रहा है, आपका जो सेक्शन है वो डिफॉर्म होता चला जा रहा है। आप अभी अपने स्ट्रेंथ को, आप अपने अभी स्ट्रेस को बढ़ा भी नहीं रहे हैं, आप स्ट्रेस को बढ़ा भी नहीं रहे हैं, बट देर इज अ कॉन्स्टेंट डिफॉर्मेशन। क्या ऐसा बोल सकते हो क्या कि यहाँ से अगर आपने लोडिंग हटाई तो आपको कभी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन होगा? नहीं, वो तो बी के बाद कभी नहीं होने वाला। बी के बाद तो आप कभी भी लोड हटाएंगे तो ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कभी नहीं होगा, बट ये जो है ये आपका यील्ड प्लैटिव है, यहाँ आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिख रहा है, अब यहाँ आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिख रहा है। फाइन, फिर से आप लोड तो बढ़ाते ही जा रहे हैं, कंटिन्यूसली लोड बढ़ा रहे हैं, और अब देखिए कि डिफॉर्मेशन भी आपका इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और डिफॉर्मेशन भी बढ़ते जा रहा है आपका, और एक पॉइंट पे आप आ रहे हैं जहां पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है, और इस पॉइंट को अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो आपकी स्ट्रेंथ आएगी, दैट इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जिसको बोलते हैं एफ यू, एफ यू। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और देखिएगा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद अब आप देखिए आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होते जा रही है, आपके सेक्शन की स्ट्रेंथ रिड्यूस होते जा रही है, आप जैसे जैसे क्या कर रहे हैं लोड बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ रिड्यूस होते जाती है, और एफ पे आके आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर फ्रैक्चर पॉइंट। कप एंड कोन फेलियर होने वाला है, कल फेलियर डिटेल में दिखा दूंगी, नो बिग डील, बट ये आपका फेलियर हो रहा है पॉइंट एफ पे, दिस इज योर फेलियर पॉइंट। एक बहुत ही नॉर्मल सा मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन, बहुत कुछ है अभी, देर इज सो मच जो आपके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जाएगा बहुत डिटेल में, बट आपको एक ओवरव्यू मुझे देना था बस, वो आपको क्लियरली समझ में आया कि नहीं, ये वापस से हमको कल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगी ना कल आपके डिज़ाइन फिलोसफीज में जब मैं आपसे बात करूंगी आपके वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, तो वो एक इलास्टिक मेथड होता है, फिर जब मैं आपसे बात करूंगी अल्टीमेट लोड मेथड की तो वो प्लास्टिक मेथड होता है, फिर मैं आपसे बात करूंगी लिमिट स्टेट मेथड की, तो उस सब के लिए आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो हम कल ये वापस से डिस्कस करेंगे इन वेरी डिटेल। अभी तो आपका सेशन एंड हो रहा है, इसलिए बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, क्या ये आइडिया आपको समझ में आ गया? क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब जल्दी से बस बता दीजिए कि आपको ये ओवरव्यू समझ आया कि नहीं, मैं क्विक रिव्यू आपको दे दूं बस आज के सेशन का, जल्दी से हम लोगों ने क्या क्या देखा है एक जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखा डिजाइन कंसिडरेशन, डिजाइन कंसिडरेशन में मैंने बस आपको बताया व्हाट इज स्टील, स्टील के बारे में मैंने आपको बता दिया, इट्स एन अलॉय, आपको कंपोजिशन पूरा बता दिया, कंपोजिशन आपको याद रखना है, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील का कंटेंट याद होना चाहिए, रॉट आयरन वगैरह पता होना चाहिए। फिर हम आगे मूव किए, आगे आने के बाद मैंने आपको दिखाया वही कि आपको क्लैरिटी दी, जो स्टेटमेंट मैंने दिया था उसको मैंने कर्व का यूज करते हुए क्लैरिटी दे दी आपको, ये देख लिया आपने। एंड देन वी मूव टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, भाई यूज कर रहे हैं आज तो एडवांटेज डिसएडवांटेज पता होना चाहिए, डिस्कस किया आपके साथ मिलके, सारे आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की मैंने आपके साथ, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो आप वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, वहां से मूव किया हम लोगों ने। उसके बाद मैंने आपसे और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की जो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, आपको वन लाइनर में बार बार दिखेंगे। ठीक है, ये देखने के बाद वी मूव टू कोड्स, कोड्स की आपको पता होना चाहिए कौन से पार्ट में कौन से लोड के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो कोड में आपको ये सारी चीज़ें याद होना इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एक बहुत ही ओवरव्यू बस लिए हैं, डिटेल्ड में आज कोई बात नहीं की है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, इसलिए नहीं की क्योंकि कल बहुत डिटेल में वापस से पढ़ना है, क्योंकि कल मैं डिज़ाइन फिलोसफीज डिस्कस करूंगी आपके साथ। सो यस,
जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ऑल गुड कैसे बताएंगे आप। आप सब रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए, जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करिए, खूब सारा रेड हार्ट दिखना चाहिए मुझे, एंड देन आई विल वाइंड अप द सेशन। जल्दी जल्दी हाँ, मुझे रेड हार्ट दिखने लगे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, मुझे समझ में आ गया कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और कल मैं आपसे मिलूंगी सेम टाइम सेम प्लेस, आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिज़ाइन कंसिडरेशन। कल ख़त्म करके मैं कल ही कनेक्शन स्टार्ट करके आई विल बी वाइंडिंग अप बोल्टिंग, क्योंकि कल थोड़ा लेंदी सेशन होगा, आज इट वॉज अ 1 आवर सेशन, टुमारो विल ट्राई टू कीप इट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख रहा होगा, ऊपर पिंड है, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको टाइम देते रहूँगी, अपडेट करूँगी आपको फाइनल टाइमिंग के बारे में। इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं कल थोड़ा सा स्केड्यूल देख के आपके लिए सब कुछ प्लान कर दूंगी। आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहा है, पिंड है पहला कमेंट, दैट इज़ माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको सारे अपडेट सबसे पहले आते हैं, सो डू ज्वाइन दैट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लाइव अटेंड करिए, आपको पता है लाइव अटेंड करने का अलग मज़ा है। कल आपका सेशन ज़्यादा पेस में होगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होंगी, तो कम प्रिपेयर्ड। एंड यस, दैट्स इट दैट्स इट। आई होप कि आपको सेशन में मज़ा आया होगा, एंड आई होप कि मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा होगा। सो यस, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, होपिंग टू सी यू ऑल लाइव टुडे टुमारो एंड अलॉन्ग विथ यू अलॉट मैनी पीपल। चलिए ठीक है, चलेगा अभी अभी चलेगा, 1 वीक, मोर देन अ वीक चलेगा अभी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो, कीप द हसल गोइंग एवरीवन।